नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल GOV PVT को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए नेपाल करेगा सहयोग, अपने क्षेत्रीय भाषा में ही बच्चे स्कूलों में कर सकेंगे पढ़ाई। 10 देशों के कलाकार को पछाड़कर बिहार के सुलेमान ने जीता एक्सीलेंसी अवार्ड। देवघर रोपवे पर हुई घटना से सबक लेते हुए बिहार के सभी रोपवे का होगा मुआयना। शिवम दुबे के खेल को सुधारने में धोनी ने की मदद। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए नेपाल करेगा सहयोग। बिहार में शराबबंदी भले ही साल 2016 से लागू है, लेकिन इसमें अभी तक सरकार को सही तरीके से सफलता नहीं मिली है। शराबबंदी होने के बावजूद लोग चोरी छिपे ही सही, लेकिन शराब पीते हैं और शराब की तस्करी करते हैं। हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इन सभी चीजों पर लगाम लगाया जाए। ऐसे में बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए साथ देंगे तो भारत के बिहार से सटे पड़ोसी देश नेपाल। दरअसल भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर बीते दिन रक्सौल स्थित एकीकृत जांच चौकी में भारत नेपाल जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की गई। बैठक में राज्य में लागू शराबबंदी को सफल बनाने के लिए नेपाल प्रशासन ने अपेक्षित सहयोग पर चर्चा की, ताकि सीमा पार से शराब की तस्करी न हो, अपने क्षेत्रीय भाषा में ही बच्चे स्कूलों में कर सकेंगे पढ़ाई। बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति में पांचवी कक्षा तक की पढ़ाई मातृभाषा, क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा के माध्यम से कराने की बात कही गई है। ऐसे में बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा के माध्यम से पढ़ाई कराने की प्रक्रिया सम्पन्न हो चुकी है। आपको बता दें कि भोजपुरी और मैथिली में विज्ञान, गणित के अलावा हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू को भी पढ़ाने के लिए वर्कबुक तैयार की गई है। आपको ये भी बता दें कि सभी विषयों के शिक्षक मैथिली और भोजपुरी भाषी बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाएंगे। दूसरे चरण की भर्ती के लिए RRB NTPC ने जारी किया नोटिस। RRB NTPC ने रेलवे में दूसरे चरण की भर्ती के लिए नोटिस जारी कर दिया है। मालूम हो कि चरणवार एक CBT का आयोजन 28 दिसंबर 2020 में 31 जुलाई 2021 के बीच 7 चरणों में हुआ था। वहीं CBT 1 का परिणाम इस साल 30 मार्च से 1 अप्रैल के बीच RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। अब इसके बाद दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए एक नोटिस जारी किया गया, जिसका बिहार और उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों ने विरोध शुरू कर दिया। CBT 1 में वेतन स्तर 4 और 6 के लिए चयनित उम्मीदवारों की CBT 2 इस साल 9 और 10 मई को होने वाली है, जो मौजूदा परिस्थितियों के अधीन है। विशेष जानकारी के लिए आप RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। 10 देशों के कलाकार को पछाड़कर बिहार के सुलेमान ने जीता एक्सीलेंसी अवार्ड। आर्ट्स क्राफ्ट संस्थान, जो कि भारत के कला को बढ़ावा देती है, इस संस्था ने संकट मोचन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें बिहार के मोहम्मद सुलेमान ने बाजी मारी है और आर्ट्स एक्सीलेंसी अवार्ड जीता है। इस प्रतियोगिता में हनुमान चालीसा या रामायण के किसी चौपाई के आधार पर भगवान हनुमान की पेंटिंग बनानी थी। मोहम्मद सुलेमान ने हनुमान चालीसा की चौपाई सूक्ष्म रूप धरी, स्याही दिखावा विकट रूप धरी, लंक जरावा पर पेंटिंग बनाई थी, जिसे ज्यूरी ने एक्सीलेंसी अवार्ड के लिए चयनित किया है। मोहम्मद सुलेमान समस्तीपुर के दलसिंहसराय के रहने वाले हैं। इस प्रतियोगिता में 10 देशों के कलाकार भाग लेते देखे गए, जिसमें पाकिस्तान के भी कलाकार शामिल रहे थे। सुलेमान ने अपने जिले के साथ साथ बिहार राज्य सहित देश का नाम रोशन किया है। अवैध बालू खनन मामले में EOU ने 2 अधिकारियों के ठिकानों पर दी दस्तक। बिहार में भ्रष्ट अफसरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस बीच बिहार में आर्थिक अपराध इकाई को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार के 2 बड़े लोक सेवकों के ठिकानों पर दस्तक दे दी। जिन 2 अधिकारियों के खिलाफ EOU ने आज कार्रवाई की है, उसमें पालीगंज के तत्कालीन अंचलाधिकारी राकेश कुमार और भोजपुर जिले के संदेश थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष पंकज कुमार शामिल है। अवैध तरीके से धन अर्जित करने के मामले में इन दोनों अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। ये दोनों ही अधिकारी अवैध बालू उत्खनन और गैर कानून व्यापार में संलिप्त थे। बस 2.5 घंटे में तय कर सकेंगे नेपाल की दूरी। मालूम हो कि बीते 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा ने दोनों देश के बीच 35 किलोमीटर लंबी इस रेल सेवा का उद्घाटन किया था, जिसके बाद भारत और नेपाल के बीच 8 साल बाद रेल सेवा शुरू हो सकी। अब इसके बाद एक और रेल रूट सीमांचल में अररिया जिले के जोगबनी से जयनगर पर निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। वहीं भारत और नेपाल के बीच पश्चिम चंपारण के रक्सौल से लेकर काठमांडू तक रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 2 चरण का सर्वे पूरा हो चुका है और अब तीसरे चरण के सर्वे का
काम चल रहा है। आपको बताते चले कि पहले रक्सौल से काठमांडू तक जाने में करीब 6 घंटे का सफर तय करना होता था, लेकिन ट्रेन से यात्रा करने पर केवल 2 से 2.5 घंटे ही लगेंगे। एक बार फिर से बढ़ी सीमेंट और सरिया के दाम, घर बनाना और भी हुआ महंगा। प्रदेश भर के लोग महंगाई की मार वैसे ही चख रहे हैं, खासकर आम जनजीवन इस महंगाई से त्रस्त है। खाद्य पदार्थ से लेकर के सभी रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी हो गई हैं। इसके साथ ही अब घर बनाना भी महंगा हो गया है। ब्रांडेड कंपनियों ने एक सप्ताह में सीमेंट की बोरी पर 25 से 30 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। अब सीमेंट की एक बोरी की कीमत 365 से 375 रुपए तक पहुंच गई है। कच्चे माल की कीमतों में लगभग 40% तक वृद्धि होने के कारण बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें भी लगातार बढ़ी है। फिलहाल इन सामग्रियों के बढ़े दाम को आंका जाए तो बीते 4 महीने के मुकाबले अब घर बनाना करीब 50% तक महंगा हुआ है। दक्षिण बिहार में लू की स्थिति तो उत्तर बिहार में बारिश की संभावना। दक्षिण बिहार में लू भरी हवा से राहत मिलने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। वहीं उत्तर बिहार में बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग के बक्सर, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, गया, पटना, शेखपुरा और नालंदा में 2 दिनों तक लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं हवाओं की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ने का अनुमान भी है। वहीं उत्तर बिहार के जिलों की बात करें तो अररिया, किशनगंज में अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार के इस मुखिया को पीएम मोदी स्मृति चिन्ह देकर करेंगे सम्मानित। बिहार के कुछ जिलों में जून जुलाई के महीने में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। अगर देखा जाए तो अभी से ही जल स्रोतों का जल स्तर नीचे जाने लगा है। ऐसे में आपदा प्रबंधन भी अलर्ट मोड में है। इस बीच कोई और है जो हर साल गर्मी के मौसम में जल की व्यवस्था कराने में जुट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं गया जिले के इमामगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत बीकोपुर के मुखिया छोटन खान के बारे में। छोटन खान हर साल ग्राम पंचायत की अगल बगल की नदियों में करीब आधा दर्जन जेसीबी से गड्ढे की खुदाई कर पक्षी और जानवरों के लिए पेयजल की व्यवस्था कराते हैं। आज इनके पंचायत के सशक्त होने का कारण इनके इंसानियत, व्यवहार और बेहतर प्लान है। इसके लिए छोटन खान को 24 अप्रैल को पीएम मोदी खुद स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी करने वाले हैं। देवघर रोपवे पर हुई घटना से सबक लेते हुए बिहार के सभी रोपवे का होगा मुआयना। झारखंड के देवघर में श्रद्धालुओं के साथ रोपवे पर जो हुआ वो हृदय विदारक घटना थी। झारखंड में देवघर रोपवे दुर्घटना के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से सभी रोपवे का सिक्योरिटी ऑडिट करने को कहा है। इसके बाद बिहार सरकार भी सबक लेते हुए बिहार राज्य पर्यटन विभाग ने सूबे में संचालित राजगीर और बांका के रोपवे का मुआयना करने और नियमित रखरखाव में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश सरकार 6 नए रोपवे बना रही है। मुख्यमंत्री ने इसे पर्यटन विकास की दिशा में बड़ी योजना बताते हुए कहा था कि 6 नए रोपवे बनने से राज्य की स्थिति समृद्ध होगी। मात्र 15,000 रुपए में IGIMS में करवा सकते हैं गंभीर बीमारी का इलाज। राजधानी पटना के सबसे बड़े अस्पताल IGIMS में बीते दिन क्रिटिकल केयर यूनिट का उद्घाटन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा किया गया, जहां 10 ICU बेड और वेंटिलेटर की सुविधा दी गई। इसके साथ ही नेत्र रोग विभाग में जिस मशीन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम और अपग्रेड RIO लाइब्रेरी कक्ष का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही क्रिटिकल केयर विभाग की सुविधा बहाल होने के बाद IGIMS बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का पहला अस्पताल हो जाएगा। इस यूनिट की असिस्टेंट प्रोफेसर ऋतु सिंह ने बताया है कि ये मात्र 15,000 रुपए में गंभीर मरीजों का बेहतर इलाज करवाया जा सकता है। वहीं वेंटिलेटर चार्ज 10,000 रुपए रखा गया है। इसके साथ ही संबंधित विषयों की यहां पढ़ाई भी करवाई जाएगी। माल वाहनों को हर हाल में ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर से लेना होगा फिटनेस प्रमाण पत्र। भारी माल वाहन सड़क पर खतरनाक साबित हो सकते हैं, ऐसे में व्यवसायिक वाहनों को अब हर हाल में ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर से फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होगा। बता दें कि भारी माल वाहनों को 1 अप्रैल 2023 से जबकि हल्के मोटर वाहनों को हर हाल में 1 जून 2024 से ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर से फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया गया है जो बिहार सहित सभी राज्यों में लागू हो गया है। वहीं 8 साल तक के पुराने वाहनों के लिए 2 साल और 8 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए 1 साल तक फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहन को 1 अप्रैल 2023 से फिटनेस प्रमाण पत्र ऑटोमेटिक स्टेशन से लेना होगा। बिहार से मजदूरों के पलायन करने की मुख्य वजह आई सामने। बिहार में भारी संख्या में हर साल मजदूर पलायन कर दूसरे राज्य में चले जाते हैं। इसकी मुख्य वजह सामने आई है, जिससे लगभग 94% मजदूरों की आमदनी 10,000 प्रति महीने से कम बताई गई है। ऐसे में राज्य से भारी संख्या में मजदूर पलायन कर जाते हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने बिहार को 3.5 करोड़ मजदूरों के निबंधन का लक्ष्य दिया है। पोर्टल पर अब तक 2,80,88,000 से अधिक कामगारों ने निबंधन किया है। इनमें 2 करोड़ से अधिक मजदूरों ने सहज वसुधा केंद्र के माध्यम से निबंधन कराया है, जबकि बाकी ने खुद से निबंधन किया है। निबंधन के अनुसार 2,64,00,000 से अधिक कामगारों ने अपनी आमदनी 10,000 से कम बताई है।
कोरोना से सुरक्षा को लेकर एक बार फिर अलर्ट हुई बिहार सरकार। एक बार फिर से देश के एक दो राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट मिलने की पुष्टि हुई है। यही वजह भी है कि बिहार सरकार भी अब अलर्ट मोड पर आ गई है। इसको लेकर राज्य के प्रमुख रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में कोरोना जांच की जाएगी। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के तहत सभी जिलों के सिविल सर्जन को सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना जांच टीम तैनात करने को कहा गया है। साथ ही खबर यह भी है कि कोरोना जांच टीम द्वारा एंटीजन जांच हुए अतिरिक्त गंभीर लक्षणों वाले मरीजों की आरटीपीसीआर जांच कराई जाएगी। नए वेरिएंट को नियंत्रित करने के लिए कोरोना की दूसरी और बूस्टर डोज से वंचितों के टीकाकरण के निर्देश भी दिए गए हैं। शिवम दुबे के खेल को सुधारने में धोनी ने की मदद। सीएसके और आरसीबी के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आईपीएल का 22वां मुकाबला खेला गया। इस मैच में चेन्नई की टीम को इस सीजन की पहली जीत मिली और चेन्नई ने जीत का खाता खोला। चेन्नई के हीरो रहे शिवम दुबे ने चेन्नई के लिए 95 रनों की नाबाद पारी खेली। मैन ऑफ द मैच से नवाजे गए शिवम दुबे ने कहा कि मैं इस बार बेसिक्स पर फोकस कर रहा हूं। मैंने कई सीनियर से बात की, माही भाई ने भी खेल को सुधारने में मेरी मदद की। उन्होंने कहा कि बस ध्यान केंद्रित करो, बस स्थिर रहो, कौशल को खेल में काम करने दो। उन्होंने आगे कहा कि युवी पाजी हमेशा बाएं हाथ से बल्लेबाजों के लिए रोल मॉडल होते हैं। कई लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं उनकी तरह बल्लेबाजी करता हूं, जैसा कि स्थिति की मांग है, जैसा कि कप्तान और कोच मुझसे कहते हैं, मैं कहीं भी बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हूं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है इंद्रदेव कुमार, सलीम भाई, शिखा घोष, शंकर मुखिया, उज्ज्वल कुमार, मुकेश कुमार, सरोज कुमार चौधरी, अंकित भारती, मुकुल कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहें। हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।